हेलो बच्चों, आज मैं ज्योग्राफी के प्रमुख टॉपिक इकाई एक खंड का प्राकृतिक संसाधन से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है और साथ ही साथ जो लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इन तमाम प्रश्नों का आदर्श उत्तर मैं आप लोगों के समक्ष आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोग निश्चित रूप से इसका अनुसरण कीजिए, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स के लिए स्वाभाविक है आपको सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 देने वाले हैं या मैट्रिक का एग्ज़ाम जो भी देने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब का सॉल्यूशन, बहुत ही बेहतर उत्तर आप लोगों के समक्ष मैं वीडियो के माध्यम से रखूंगा। इसको समझाने का भी प्रयास करूंगा। आप लोग निश्चित रूप से देखते रहिए, ये बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होगा और आप गुड मार्क्स लेकर मैट्रिक पास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संसाधन। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ए, वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, उसके बाद अधिक सिंचाई। तो इसका सही उत्तर है अधिक सिंचाई। ठीक है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, डी, अधिक सिंचाई। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दो नंबर का सवाल, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ए, हरियाणा, बी, पंजाब, सी, कर्नाटक, डी, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, यानी के उत्तराखंड। सोपानी कृषि कहाँ की जाती है, तो ये उत्तराखंड में की जाती है। सोपानी कृषि कहाँ की जाती है, यानी सोपानी कृषि जो है ये कहाँ की जाती है, उत्तराखंड में की जाती है। इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, तीन नंबर में देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। ए, उत्तर प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, कर्नाटक, डी, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, यानी के ये बी, यानी कि राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, राजस्थान। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर का सवाल, चौथा नंबर, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन हैं। ए, बेंजीन, बी, यूरिया, सी, एंड्रीन और डी, फास्फोरस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, यानी एंड्रीन। एंड्रीन इसका सही उत्तर होगा, यानी कि आपका ये सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, एंड्रीन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, ए, बलुई मृदा, बी, रेगूर मृदा, सी, लाल मृदा और डी, पर्वतीय मृदा। तो इसका सही आंसर है, काली मृदा को रेगूर मृदा भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए हम लोग छठा नंबर का सवाल देखते हैं, छठा नंबर तो नहीं है, अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर यानी ऑब्जेक्टिव हम लोग कितना देखें, ऑब्जेक्टिव इसमें पाँच है, तो पाँच हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उसके उत्तर। ठीक है, अब जैसे इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर में है, पहला प्रश्न, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावें। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, यानी जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि इसका एक से दो बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरह मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने का भरसक प्रयास करूंगा। ठीक है, आप लगातार देखते रहिए हमारे चैनल में, यदि नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक
हर लेटेस्ट वीडियो आपके सब्जेक्ट का, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, मैं सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न मैं निश्चित रूप से आप तक पहुंचाऊंगा, वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। आप यदि मैट्रिक में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा इत्यादि है। अब जैसे देखिए जलोढ़ मृदा क्या होता है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है, यानी कि ये जलोढ़ मृदा की बात यदि की जाए तो ये क्या होता है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। नदियों के द्वारा बहाकर जो लाई गई मिट्टी होती है उस मिट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मृदा का विस्तार सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक पाया जाता है। मैं ये भी बात बता दूं कि जलोढ़ मृदा का विस्तार पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब है क्या, इसका क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है ये कह रहा है कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। तो इस मृदा में गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, तेलहन जैसी फसलें उपयुक्त मानी जाती है, और जलोढ़ मृदा जो होती है सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है, और इस मृदा में गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, तेलहन, मक्का दलहन और तेलहन की फसलें उगाई जाती है, ठीक है। तो ये आप, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही छोटा है, आप इसको हूबहू याद कर लीजिएगा, फिर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, निश्चित रूप से आपको बेहतर नंबर आएगा ही, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, समोच्च रेखा, ठीक है, ये समोच्च रेखा से, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जल के तेज बहाव के कारण होने वाली मृदा अपरदन से बचने के लिए पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली सीढ़ी नुमा खेती, यानी ये जो सीढ़ी नुमा खेती होता है, इस सीढ़ी नुमा खेती को ही हम लोग क्या कहते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जल के तेज बहाव के कारण होने वाले मृदा अपरदन से बचने के लिए पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली सीढ़ी नुमा खेती को समोच्च कृषि कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो सीढ़ी के तरह बना होता है तो उसमें पानी को रोकने के लिए बांध दिया जाता है, और वही कृषि जो है कैसी कृषि कहलाती है, समोच्च कृषि कही जाती है, ठीक है। तो समोच्च कृषि समझ में आ गया। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समोच्च कृषि कहाँ पर की जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीन नंबर का सवाल देखते हैं। तीन नंबर का सवाल है, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में यानी कि हवा के द्वारा जो काट छाट की जाती है, ऐसे क्षेत्रों में कौन सी कृषि पद्धति अपनाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्र में कौन सी कृषि अपनाई जाती है, तो प्रायः आप सुने होंगे पट्टिका कृषि पद्धति उपयोगी मानी जाती है। यानी पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, कैसी कृषि, पट्टिका कृषि पद्धति उपयोगी मानी जाती है। ये पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है, और यह फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित है। इसमें प्रायः होता क्या है, माना कि अब ये फसल है, ठीक है, तो इन फसलों के बीच घास की पट्टियां, ये फसल हुआ, ठीक है, ये फसल हुआ, और इस बीच की पट्टी में घास उगा दिया जाता है, ठीक है, घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित है। यानी फसलों के बीच में घास उगाया जाता है ताकि मृदा का अपरदन ना हो सके, यानी मृदा कट के उड़ नहीं सके, इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं पट्टिका कृषि क्या है। तो फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाने की जो पद्धति है, यही पट्टिका कृषि पद्धति है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर देखते हैं, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की क्या विशेषता है। तो आपको ये भी बात पता होगा कि भारत के पूर्वी तटीय भागों में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी यानी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा का विकास करती है जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसको हम लोग क्या कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, सुंदर वन का डेल्टा कहते हैं, ये दुनिया की ये भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है क्या कि भारत के पूर्वी तटीय भागों में गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा एवं कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ जलोर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जिसका निर्माण बालू सिल्ट एवं मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है और इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें कह रहा है भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की क्या विशेषता होती है। तो भारत के पूर्वी तटीय भागों में गंगा ब्रह्मपुत्र है, फिर महानदी गोदावरी क्षेत्र है, कृष्णा कावेरी नदियों का क्षेत्र है, वहाँ पर डेल्टा का विकास हुआ है और यहाँ जलोर मिट्टी पाई जाती है जिसका निर्माण बालू सिल्ट एवं मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है, यानी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है वही मिट्टी जलोर मिट्टी होती है और डेल्टाई जितने भी क्षेत्र होते हैं उन डेल्टाई क्षेत्रों में जलोर मिट्टी का विस्तार पाया जाता है और इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे होता है और ये उपजाऊ बहुत होती है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं पांच नंबर का सवाल, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक होता है, यानी जो फसल चक्र पद्धति होता है वो मृदा संरक्षण में किस तरह से सहायक होता है। ये मृदा संरक्षण की बात यदि की जाए तो क्या होता है, दो फसलों के बीच एक दो धान्य फसलों के बीच प्राय हम लोग लिखते हैं दो धान्य फसलों के बीच दो धान्य फसलों के बीच एक तिलहन या दलहन की फसलों को उगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। मतलब क्या हो गया कि दो फसल है, कोई दो फसल लगाए और उसके बीच में एक दलहन या तिलहन के फसल को उगा लेते हैं तो यही पद्धति क्या कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। इसके द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है क्योंकि इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी इसके दलहन के जड़ों में लिग्युमिनेसी कुल का जो होता है लिग्युमिनेसी नामक एक जीवाणु होता है जो क्या करता है कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ठीक है, यही कारण है कि मृदा का जो उपजाऊ शक्ति है वो बना रहता है, पोषणीय स्तर जो है वो बना रहता है। तो आप साधारणतः इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो धान्य फसलों के बीच एक दलहन या तेलहन का फसल लगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। इसके द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है क्योंकि इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी कि दलहन के फसलों में तेलहन के फसलों के जड़ों में लिग्युमिनेसी कुल का जो होता है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यही कारण है कि मृदा का पोषणीय स्तर बरकरार रहता है। तो आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न एवं उत्तर। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखिए इसमें कह रहा है जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, जलाक्रांतता कैसे जिसको हम लोग वाटर लॉगिंग कहते हैं, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका होती है, अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है अति सिंचन से जलाक्रांतता की समस्या पैदा होती है, यानी जब किसी भी खेत में अत्यधिक सिंचाई की जाती है तो जलाक्रांतता की समस्या पैदा हो जाती है जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जब क्या होता है, जब किसी भी खेत में अत्यधिक सिंचाई कर दी जाती है तो वहाँ पर जलाक्रांतता की स्थिति उत्पन्न होती है और इससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण विकसित हो जाता है और भूमि बंजर बन जाता है, यानी भूमि का निम्नीकरण हो जाता है।
अर्थात इससे मृदा की उर्वरा शक्ति घटते चली जाती है और भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है। आप इसको इस तरह से भी समझिए कि जब किसी भी खेत में अत्यधिक सिंचाई की जाती है, अत्यधिक सिंचाई करने के कारण वहाँ उस क्षेत्र में जलाक्रांता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे क्या होता है, उसमें अम्लीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है। अम्लीय और क्षारीय गुण जब बढ़ जाता है तो उसकी उर्वरा शक्ति धीरे धीरे घट जाती है, यानी कि और घट जाती है, यानी उर्वरा शक्ति जब घटेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे बंजर होता चला जाता है। इस प्रकार की समस्या मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अति सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण यहाँ पर देखा जा सकता है। यानी आपको पूछा जाएगा कि वाटर लॉगिंग यानी जलाक्रांता की स्थिति सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखी जा सकती है, तो पंजाब में देखी जा सकती है, हरियाणा में देखी जा सकती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई हुआ है जिसके वजह से निम्नीकरण की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा संरक्षण क्या है, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, तो देखिए मृदा को बंजर या अनुपजाऊ होने से बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी मृदा को बंजर या अनुपजाऊ होने से बचाने की जो पद्धति है, कला है, उसको ही हम लोग मृदा संरक्षण कहते हैं, मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल पेड़ पौधों के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विद्यमान अनेकों जीव समुदायों के भरण पोषण भी करती है। मृदा में मौजूद उर्वरा शक्ति मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा परत के निर्माण में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। ठीक है, तो मृदा संरक्षण क्या होता है, आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। मृदा को बंजर या अनुपजाऊ होने से बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल पेड़ पौधों के विकास का माध्यम है बल्कि पृथ्वी पर विद्यमान अनेक जीव समुदायों के भरण पोषण भी करती है। ठीक है, और मृदा में मौजूद उर्वरा शक्ति मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। लगभग 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो मृदा का अपने मूल स्थान से अपरदन के विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। तो भूक्षरण अब समझ में आ गया, भूक्षरण क्या है, तो मृदा का जहाँ पर उत्पत्ति होता है और मूल स्थान से अपरदन की विभिन्न क्रिया जैसे हवा के द्वारा हो या भूमिगत जल के द्वारा हो या वर्षा के जल के द्वारा हो या नदी के द्वारा हो, यानी कि मूल स्थान से अपरदन के विविध क्रियाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को ही भूक्षरण कहते हैं। यह मृदा की एक बहुत बड़ी समस्या है। मृदा क्षरण के कई कारणों जैसे वायु और जल के तेज बहाव, जलाक्रांता, अति पशुचारण, खनन रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसी मानवीय अनुक्रियाएं द्वारा होता है। वृक्षारोपण, पट्टी का कृषि, फसल चक्रण, समोच्च कृषि इत्यादि द्वारा मृदा क्षरण को रोकना ही मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका है। और रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरक का उपयोग मृदा संरक्षण में सहायक होता है। वृक्षारोपण से भी मृदा संरक्षण बढ़ता है क्योंकि इससे मृदा को बाधा पहुंचती है और इनकी पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होता है। तो आप इसको एक दो बार पढ़िएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल देखिएगा। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। ये कह रहा है कि भारत में अत्यधिक पशुधन यानी कि पशु के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर, सबसे ज़्यादा पशु यहाँ पर पाली जाती है, लेकिन बावजूद भी अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, जैसा कि मैं पहले भी बताया। तो ये क्या है, भारत पशु के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक पशु भारत में ही पाए जाते हैं, परंतु यहाँ अस्थाई चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखिए कि परिणाम स्वरूप पशुपालन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान लगभग नगण्य होने का कारण निम्नलिखित है।
अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा कारण है जिसके वजह से इसका अर्थव्यवस्था में योगदान नगण्य है। तो पहला है उत्तम किस्म के पशु नस्लों में भारी कमी, यानी उत्तम किस्म के पशु नस्ल यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं क्या होता है कि वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव, ठीक है। उसके बाद देखिए चारागाह का अभाव, फिर बढ़ती आबादी का दबाव, यानी ये तमाम कारण है जिसके वजह से इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं है, यानी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव नगण्य है। दूसरा फिर हम लोग देखते हैं पूंजी का अभाव इत्यादि, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी और पशु चिकित्सकों का अभाव, ये सभी के सभी कारण हैं जिसके वजह से हम लोग का पशुधन का प्रभाव अर्थव्यवस्था में नगण्य माना जाता है। तो ये मुख्य से चार पांच कारण आप याद रखिएगा। तो अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान लगभग नगण्य है, इसका कारण एक बार फिर से सुन लीजिए, उत्तम किस्म के पशु नस्लों में भारी कमी, वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव, चरागाह का अभाव, बढ़ती आबादी का दबाव, पूंजी का अभाव, इच्छा शक्ति की कमी, पशु चिकित्सक का अभाव, ये सभी के सभी कारण हैं जिसके वजह से अत्यधिक पशु होने के उपरांत भी अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव नगण्य देखा जाता है। तो ठीक है, आज बस आज के वीडियो में हम क्या देखें, तो इस चैप्टर के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव सभी को हम लोग देख लिए। आप निश्चित रूप से वीडियो को सिर्फ एक से दो बार देखिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। आप अपने बेहतर नंबर लाने के लिए ये तीन चार महीना जैसे है आप एकदम जी जान लगा दीजिए, निश्चित रूप से आपको बेहतर से बेहतर नंबर आएगा। आप सिर्फ फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपका नंबर निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।